आज मैं बना रही हूँ कच्चे पपीते की बेसन वाली सब्जी। और ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। इसके लिए मैंने आधा किलो ये पपीता लिया है और एकदम कच्चा पपीता, आप देख सकते हो एकदम टाइट है। और सबसे पहले क्या करना होगा कि छील लूंगी इसको मैं, और उसके बाद मैं बड़े वाले तरफ से कद्दूकस कर लेती हूँ, उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने पपीते को कद्दूकस कर लिया और आप देख सकते हो मैंने बड़े वाले तरफ से इसे कद्दूकस किया है। तो अब लगाते हैं तड़का। तो ये देखिए मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है, तेल गरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी राई। तो ये देखिए राई को बढ़िया क्रैकल होने देंगे। तो ये देखिए राई क्रैकल हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन। तो मैंने 6 से 7 कलियां लहसुन की ली थी जिसे बारीक चॉप कर दिया है। 2 ग्रीन चिली ली थी जिसे मैंने बारीक चॉप किया हुआ। आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, इसे भी मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। और साथ ही अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच हींग। और धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च को। तो ये देखिए लहसुन अदरक और हरी मिर्च भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही मैं डालूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हल्दी का कलर बढ़िया आ चुका है। मैं इसमें मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली है जो काफ़ी तीखी। आप चाहे तो मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। और अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, और मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं। इससे खट्टापन इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, देसी टमाटर है। और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें सेंधा नमक और मिक्स कर देंगे देखो। और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूंगी कद्दूकस किया हुआ पपीता, ये देखो। अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पपीते को, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है पपीता। और इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है और पपीता खाना काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो हमें किसी न किसी रूप में पपीते को खाना चाहिए। पका हुआ पपीता तो हम सब खाते हैं, लेकिन कच्चे पपीते की हम सब्जी बना के खा सकते हैं। और ये बेसन वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए स्टीम लग रही है अभी, मतलब हीट लग रही है। तो अभी थोड़ा सा कम दिखने लग गया है पपीता। तो अब जब आप देख, मतलब पहले तो ज़्यादा दिख रहा था, तो नमक एकदम से ज़्यादा ना डालें, थोड़ा ही डालें। ये देखिए मिक्स कर देंगे बढ़िया। तो ये देखिए पपीते को अच्छी तरह से मैंने तड़के में मिक्स कर दिया है। और अब मैं धीमी आंच पे पपीते को और टमाटर को पका लूँगी लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए कच्चे पपीते को पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं, धीमी आंच पे मैंने पकाया है। और आप देख सकते हो कि अभी कितने सॉफ्ट दिखने लगे हैं और इसका पानी भी छूटा हुआ क्योंकि हमने स्टीम करके, मतलब ढक करके पकाया है। और टमाटर का भी अपना काफ़ी जूस था। तो ये देखिए इतना पानी है इसमें। तो अब मैं इसी में बेसन डाल दूंगी। तो ये देखिए 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ बेसन लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए बेसन डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और जितना पानी इसमें छूटा हुआ था टमाटर का जूस और हमने ढक के पकाया था, तो उसी पानी के अंदर बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो गया। हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है और इसी में ही हमें पकाना है। बस बीच बीच में चेक करते रहेंगे और इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि नीचे से चिपके जले ना हमारी ये बेसन वाली सब्जी। तो अब मैं ढक दूँगी। तो हमें इसी तरह से अभी 5 से 6 मिनट और पकाना है बिल्कुल धीमी आँच पर। तो मैं ढक दूँगी। तो ये देखिए धीमी आँच मैंने 6 से 7 मिनट पपीते की बेसन वाली सब्जी को बढ़िया पका लिया है। आप देख सकते हो कि बेसन अच्छी तरह से पक चुका है और एक्स्ट्रा पानी डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है और इसके लच्छे भी बढ़िया दिख रहे हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, ये देखिए, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए कच्चे पपीते की गर्मा गर्म बेसन वाली सब्जी बनके तैयार है खाने के लिए। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके साथ में आप रोटी पराठा खा सकते हो, चावल के साथ में भी मिक्स करके ये अच्छी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और जब भी बनाएं तो बताना ना भूलें कि कच्चे पपीते की बेसन वाली सब्जी आपको कैसी लगी।